सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में हमने कवर किया था चेस्ट एंड बैक वर्कआउट जो कि एक कॉम्बो वर्कआउट था। उसी तरीके से हम आज करेंगे लेग एंड शोल्डर जो कि हमारा दूसरा दिन है। सो दोस्तों, इस वर्कआउट प्रोग्राम को अगर आपको पूरी डिटेल में जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो जो कि चेस्ट और बैक की है वो ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों उसी वीडियो में मैंने लास्ट में पूरा वर्कआउट प्लान के बारे में डिटेल में समझाया है। तो दोस्तों, यह एक एडवांस वर्कआउट ट्रेनिंग है, तो अगर आपको वर्कआउट करते करते 6 महीने या उससे ज़्यादा हो चुका है तभी आप इस वर्कआउट को फॉलो करें। अदरवाइज़ अगर आप बिगिनर हो तो आप सिंपल जो रेगुलर वर्कआउट रिपीट होता है उसे फॉलो करें। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में जो हमने चेस्ट और बैक को एक साथ ट्रेन किया था जो कि हमारा पहला दिन था, उस वीडियो की मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ जाकर ज़रूर चेक करें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप कोई भी वर्कआउट करें उससे पहले आप 10 या 15 मिनट वार्म अप जरूर करें। और दोस्तों, यहाँ पे वार्म अप के लिए आप यहाँ पे स्किपिंग कर सकते हैं जो कि 5 to 10 मिनट्स कर सकते हैं। उसी के साथ आप फ्री स्क्वाट्स करें क्योंकि हम यहाँ पर लेग परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर 3 सेट फ्री स्क्वाट्स के कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कआउट जो कि है बारबेल स्क्वाट्स। और यहाँ पे हम लगाएंगे 4 सेट, जहाँ पे हमारा रेप रेंजेस होंगी वो 12 से 15 होंगी, दूसरे सेट में 10 से 12 होंगी, तीसरे सेट में 10 से 8 होंगी। उसी के साथ चौथा जो सेट होगा वो हमारा हैवीएस्ट सेट होगा और वहाँ पे हमारा जो रेप रेंजेस होगा वो 6 से 8 के बीच रहेगा। तो दोस्तों, आप हर एक सेट में फेलियर ज़रूर हिट करें। तो दोस्तों, आपको हर एक सेट में वेट को इंक्रीज करते जाना है और अपने रेप जो है वो डिक्रीज करते जाने हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे साथ मेरा जो जिम पार्टनर है वो है, जिनका नाम है अनुभव, और वो भी मेरे साथ यहाँ पे सेम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्कआउट। सो दोस्तों, उससे पहले हम यहाँ पे एक वार्म अप सेट लेंगे जो कि है बारबेल शोल्डर प्रेस। तो दोस्तों, यहाँ पे हम शोल्डर के लिए एक्सरसाइज लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो हमारे शोल्डर जॉइंट्स है उसको अच्छे से वार्म कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बारबेल शोल्डर प्रेस लगा रहा हूँ जो कि 20 से 25 रैप होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी दूसरी वर्कआउट जो कि है बारबेल शोल्डर प्रेस। और यहाँ पे हम लगाएंगे 4 सेट, जहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे 12 से 15 रैप, दूसरे सेट में 10 से 12 रैप, तीसरे सेट में 8 से 10 रैप और चौथे सेट में अगेन हमारा हैवीएस्ट सेट होगा जो कि होगा 6 से 8 के बीच में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बारबेल शोल्डर प्रेस बिहाइंड द नेक लगा रहा हूँ जो कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, जहाँ पे हमारे शोल्डर के सारे हेड हिट होते हैं, रियल डेल्ट, साइड शोल्डर जिसको हम लेटरल हेड बोलते हैं, और उसी के साथ साथ हमारा फ्रंट शोल्डर जिसको हम एंटीरियर हेड बोलते हैं वो भी ट्रेंड होता है। Thank you.
तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है एक सुपर सेट, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं डंबल शोल्डर प्रेस और उसी के साथ साथ लगाएंगे हम लेग प्रेस। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेट हम लेंगे 3, यानी कि यहाँ पे 3 सेट परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे जो रैप रेंजेस होंगी वो 12 से 15, फिर उसके बाद 10 से 12 और फिर 8 से 10 होंगी। तो दोस्तों आपको सुपर सेट परफॉर्म करना है, यानी कि आपको जो एक्सरसाइज है दो एक्सरसाइज के बीच में गैप नहीं देना है बिल्कुल भी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो शोल्डर प्रेस है उसको कंप्लीट करते ही मैं यहाँ पे लेग प्रेस मशीन की तरफ पहुँचा हूँ और यहाँ पे अगेन मैं अपने सेट को कंप्लीट करूँगा। तो चलिए दोस्तों हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है एक सुपर सेट अगेन, जहाँ पे हम डंबल फ्रंट एंड साइड रेज कर रहे हैं और उसी के साथ लगाएंगे हम डंबल स्क्वाट, और जो कि हमारा यहाँ पे जो मेरा जिम पार्टनर हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फ्रंट रेज और साइड रेज एक साथ लगाने हैं और उसी के साथ साथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एनी रेस्ट आपको यहाँ पे डंबल सुमो स्क्वाट्स भी लगाने हैं। और दोस्तों नंबर ऑफ सेट्स की बात करें तो यहाँ पे 3 सेट परफॉर्म करने हैं और अगेन हमारा यहाँ पे सेम रैप रेंजेस होंगी एज़ पर दी प्रीवियस वर्कआउट, जिसमें हम पहले सेट में हम लगाएंगे 12 से 15 रैप और दूसरे सेट में लगाएंगे हम 10 से 12 रैप और तीसरे सेट में लगाएंगे हम 8 से 10 रैप। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये एक सुपर सेट है, सो दोस्तों सुपर सेट में हम दो एक्सरसाइज के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही मेरा यहाँ पे साइड रेस और फ्रंट रेस कंप्लीट हुआ मैंने यहाँ पे सुमो सेट लगाना स्टार्ट किया। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि स्टीफ डेडलिफ्ट, और यहाँ पे हम 4 सेट परफॉर्म करेंगे जहाँ पे हमारा रैप रेंजेस होंगी वही 12 से 15, 10 से 12 रैप, फिर 8 से 10 रैप, फिर उसके बाद हमारा लास्ट हैवीएस्ट सेट होगा जहाँ पे हम 6 से 8 रैप परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों स्टीफ डेडलिफ्ट में हमारा ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग जो होता है वो इंक्लूड होता है और उसी के साथ साथ हमारा जो लोअर बैक होता है वो भी ट्रेंड होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो कि है एक सुपर सेट, और यहाँ पे हम लगाएंगे लेग कर लेग एक्सटेंशन एक साथ और उसी के साथ साथ लगाएंगे हम डंबल रियल डेल्ट फ्लाई। तो दोस्तों आप इसे जॉइंट सेट भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम 3 एक्सरसाइज को इंक्लूड कर रहे हैं, पर दोस्तों यहाँ पे हमारा जो लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल है वो एक साथ ही हो जा रहा है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो मैंने इसको एक एक्सरसाइज में ही इंक्लूड किया है। तो दोस्तों जैसे ही हमारा लेग एक्सटेंशन कंप्लीट होता है हम मूव करेंगे लेग कर्ल पे, और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जिम में सीटेड लेग कर्ल मशीन अवेलेबल है तो मैं ये परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर आपके जिम में लेइंग लेग कर्ल मशीन है जो कि ज़्यादातर कॉमनली सारे जिमों में मिलता है आप उस मशीन से लेग कर्ल लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमारा लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल कंप्लीट होता है
मैं मूव करता हूँ मेरे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है डम्बल रियल डेल्ट फ्लाई, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर ऑफ सेट की बात करें तो यहाँ पे भी हम 3 सेट परफॉर्म करेंगे, जैसा कि हमने पिछले सुपर सेट में परफॉर्म किए थे। यहाँ पे हमारा जो पहला सेट होगा वो होगा 12 से 15 रैप, दूसरा सेट होगा वो होगा 10 से 12 रैप, और हमारा तीसरा सेट होगा वो होगा 8 से 10 रैप। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो आज का वर्कआउट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे हमने परफॉर्म किया लेग और शोल्डर, जैसा कि आपको पता ही है, और पिछली वीडियो में हमने कवर किया है चेस्ट और बैक। सो उसको भी आप देख सकते हैं, उसका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और दोस्तों, यहाँ पे हम डे 3 भी कवर करेंगे, जहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे हम हमारा आर्म्स और काफ। सो बने रहिए मेरे चैनल पे और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। और दोस्तों, फर्दर एनी क्वेरी आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्ट मेरे को DM कर सकते हैं, आपको जो भी चीज़ें पूछनी है। सो और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।